द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी और साथ ही साथ यूपी टेट का पेपर कब होगा यानी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आपका जो परीक्षा है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की वो 10 अक्टूबर को हो सकती है और इसी प्रकार यूपी टेट की जो परीक्षा है वो 19 दिसंबर को हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आपकी ये दोनों परीक्षाएं पीएनपी इलाहाबाद के द्वारा कराई जाती हैं। तो पीएनपी इलाहाबाद ने शासन को प्रस्ताव भेजा है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो 10 अक्टूबर को कराने के लिए और साथ ही साथ यूपी टेट की जो परीक्षा है वो 19 दिसंबर को कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। चलिए इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1504 सहायक अध्यापक और साथ ही साथ 390 प्रधानाध्यापक की भर्ती की परीक्षा 10 अक्टूबर को हो सकती है। ठीक है, ये कन्फर्म डेट नहीं है, हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग यूपी टेट कहते हैं वो आपका 19 दिसंबर को हो सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव जिसको हम लोग पीएनपी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं ने दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विभाग के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है, शासन उस पर मंजूरी देता है और मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है अगर शासन उस पर मंजूरी प्रदान करता है तो 10 अक्टूबर को आपको जूनियर शिक्षक भर्ती और 19 दिसंबर को आपका टेट का एग्ज़ाम होगा वो कन्फर्म हो जाएगा। चलिए आगे इस खबर को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एरड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा पहले 11 अप्रैल 2021 को होने वाली थी लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 18 अप्रैल को की गई। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के चलते परीक्षा स्थगित की गई थी क्योंकि आपका पंचायत चुनाव भी हो रहा था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने अब 10 अक्टूबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों में आपकी फाइट होने वाली है। वहीं पर कोरोना संक्रमण के कारण टीटी 2020 अभी तक आयोजित नहीं की गई है। हमारा समय चल रहा है 2021, तो 2021 में टीटी 2020 का आयोजन होगा। ठीक है, 25 जुलाई को टीटी की जो परीक्षा थी वो प्रस्तावित थी, अब प्राधिकारी सचिव ने 19 दिसंबर को टीटी कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। तो दो तारीख याद रखिए, 19 दिसंबर और 10 अक्टूबर आपकी दो बड़ी परीक्षाएं हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती की हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अगर अपनी तैयारी को 100% बनाना है तो उस प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा 20 अगस्त को है तो उस परीक्षा के बाद हम लोग टीटी यानी कि टैट की जो पेपर होगा उसकी तैयारी भी प्रारंभ कर देंगे। तो जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए बहुत सारे वीडियो बना दिए गए हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।